पिछले 15 साल से ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई ट्रामा सेंटर है। एक हॉस्पिटल नजफगढ़ में, उसका 3 बार गवर्नमेंट शिलान्यास कर चुकी है, जिनका वर्मा जी ने भी किया, मावल मिश्रा जी ने भी किया, और अब लेटेस्ट में प्रवेश वर्मा जी ने भी किया है, लेकिन आज तक कोई एक ईंट नहीं लगी है। इस जवानों के बीच में हमने किसी पार्टी ने, किसी आदमी ने, किसी वोटर ने इनके साथ मिलकर राजनीति ना खेली थी। जो जम्मू कश्मीर वाली बात है ये एक अलग है, जवानों वाली बात है ये अलग है, स्ट्राइक वाली एक अलग है। ये हमने 72-73 वर्ष हो गए, ये पहले से चलती आ रही है, कितनी बार चली है। हम जो हमारे परिवार में 4-4 आदमी है वो फौज में ही, हमने एक दिन का हर रोज़ का पता होता है, आपके माध्यम से पता लगता है, वहाँ से हमारे हम रोज़ फ़ोन करते हैं आपकी कैसी हालात है, कैसे हो बेटा भाई, वहाँ से हमने आपके माध्यम से कुछ और ही पता लगता है, वहाँ से हमने कुछ और ही पता लगता है। हम भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, अगर मालूम मुसलमान है इस देश में तो आप मुसलमान को भगा दीजिएगा। अगर जो पूर्वज से मुसलमान यहाँ पे बैठा हुआ है तो उसको भगा दीजिएगा। हम हिंदू हैं, ब्राह्मण है, ये तो नहीं कहते हम कट्टर हैं उसके। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है और अब जमीन पर सब लोग उतरेंगे और हम भी जमीन पर उतरे हैं और लोगों से बात करेंगे, जमीन के मुद्दे क्या हैं 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए। जब ये जनता वोट करेगी तो इस जनता के मुद्दे क्या रहेंगे, क्या एयर स्ट्राइक के बाद में अभी भी जमीन पर कुछ लोग ऐसे मुद्दे हैं जो मोदी सरकार के पक्ष या विपक्ष में जा सकते हैं, या फिर जिस तरह से विपक्ष जो है लगातार 5 साल से जो मुद्दे उठा रहे थे उन मुद्दों के ऊपर 2019 का लोकसभा चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। तो क्या लग रहा है इस बार जो है चुनाव में मुद्दे क्या बनेंगे? देखिए, यहाँ तो जो है ना जी, ऐसा है किसानों के लिए इन्होंने बहुत वो अपने मैनिफेस्टो में बहुत कुछ कहा था भाई, किसान के लिए जो हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे ना, कुछ कोई भी नहीं हुआ। और दिल्ली में तो ये जैसे बीमा वगैरह का वो कर रहे सारे देश में, दिल्ली में ये भी नहीं हुआ। और अब ये हुआ है, थोड़ा झगड़ा हुआ है एयर स्ट्राइक, इसमें थोड़ा हा मोदी जी भाषण बहुत बढ़िया देते हैं, उस वजह से कुछ % आदमी वो ये है कि बीजेपी उनके पक्ष में माहौल बन सकता है। बाकी देहात में जो है ना किसानों के लिए इस सरकार ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि हमारा समर्थन मूल्य जो है भारत सरकार रखती है और भारत सरकार ने गेहूं का रखा है 1840 और सरसम का 4200, पर हमारी मंडी में अभी जाके देखिए सरसम 3200 बिक रही है क्योंकि ये गवर्नमेंट खरीद नहीं रही है। तो हमारे को किसानों को तो बहुत नुकसान है इससे। तो किसानों के मुद्दे इस बार जो है अहम होंगे चुनाव में? हाँ जी, किसान तो उठाएंगे अपना मुद्दा और किसान को कोई फायदा नहीं बीजेपी सरकार दे रही है, क्योंकि जो समर्थन मूल्य है गेहूं का 1842 रुपये है और सरसों का है 4210 रुपये। यहाँ गेहूँ भी बहुत 1600 रुपये 1700 रुपये और सरसों 3100-3200 रुपये ली जा रही है। किसानों का शोषण हो रहा है, मोदी जी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं किसानों की तरफ। आपको लग रहा है लेकिन जिस तरह से अभी माहौल बन रहा है एयर स्ट्राइक को लेकर के, जिस तरह एक बार और सुनिए, मोदी जी ने कह रहे हैं हम भाई 2000 रुपये 6000 रुपये हम किसानों को देंगे, वो दिल्ली में हमें किसी के खाते में कोई पैसा नहीं आया है और वो इन्होंने कह दिया कि इतने करोड़ रुपए हमने डाल दिया है किसानों के खाते में। आपने 2000 रुपए की बात की है, यानी कि जो 6000 रुपए सालाना की बात की है। एक तरफ कांग्रेस की सरकार है वो कह रही है कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और एक तरफ बीजेपी की सरकार है जो किसानों को 6000 रुपए सालाना देने की बात कर रही है। आपको क्या लग रहा है कि किस पार्टी को कौन से मुद्दे से फायदा होगा? देखो जी, कांग्रेस को फायदा होना चाहिए क्योंकि इसमें जो इन्होंने वादे किए थे कई स्टेटों में जहां कांग्रेस की सरकार जीती है उन्होंने वहां कर्जा माफ कर दिया है किसानों का। किसानों को भीख ना दे करके जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसको लागू करें। किसान भीख नहीं चाहते, ये 6000 रुपये कोई भीख क्या मतलब हुआ, ये किसानों का जो है ना स्वामीनाथ की रिपोर्ट को लागू करे किसान। सरकार तो कहेगी कि पहले कुछ भी नहीं मिला था, कुछ तो दे रहे हैं हम आपको। नहीं नहीं, उससे क्या फायदा है 6000 किले का? फिर उसमें देखने वाली बात है, जिसका लड़का 18 साल उसको नहीं मिलेंगे, जो नौकरी पे उस परिवार में उसको नहीं मिलेंगे, ये जिसको पेंशन 10000-15000 मिलती है उसको नहीं मिलेगी, तो मिलेंगे किसको वो? अगर आपका कहना है कि अगर स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए तो फसलों के दाम सबको मिलेंगे वो तो ठीक है जी। आप बताइए माहौल क्या चल रहा है गाँव में, क्या माहौल है एयर स्ट्राइक के बाद में, क्या माहौल है?
गांव में तो माहौल ये जो इसके खिलाफ ही है। किसके खिलाफ है? इसके बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि गांव में आम आदमी पार्टी के लोगों ने काम करा है। इस एरिया में जो आम आदमी पार्टी के आदमी है उन्होंने काम करा है, बीजेपी का कोई सदस्य यहाँ देखने भी नहीं है। फायदा क्या हुआ? दिल्ली में तीनों पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है। हाँ, क्या समीकरण रहेंगे इधर? समीकरण नहीं, समीकरण तो 2 महीने बाद में पता चलेगा, अभी क्या बता दें। 2 महीने अभी पड़े हैं, 2 महीने बाद में क्या पता किधर हो जाए, क्या पता उधर हो जाए पब्लिक, क्या पता इधर हो जाए। ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार के खिलाफ आपकी नाराजगी है, और ऐसे क्या मुद्दे जिनको लेकर के आप सरकार से खुश है? हम सरकार से किसी के बारे में खुश नहीं है। सरकार ने जो अपना मैनोफेस्टो 2014 में किया था, किसान का एक भी काम नहीं किया। ये 6,000 रुपये किए हैं। मेरे परिवार में हम 5 सदस्य हैं, 3 रुपये 15 पैसे उसका वो आया, हम कुत्ते आ गया, भिखारी आ गया कि क्या दे रहे हैं मोदी है, क्या मोदी है? कहेगी पहले कुछ भी नहीं मिलता था, कुछ मिल रहा है तो क्या नुकसान? क्या क्या मिला? ये कुछ नहीं मिला, फिर दिल्ली में तो मिला ही नहीं, बताइए तो किसी को कुछ नहीं दे रहा, मिलता है तो नहीं। धरातल पर दिल्ली में एक का भी बता दो दिल्ली में आ गया हो। किसानों के अलावा और क्या मुद्दा होगा गांव में? जब हमारे क्षेत्र में आज तक कोई विकास नहीं हुआ, पिछले 15 साल से ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई ट्रामा सेंटर है। एक हॉस्पिटल नजफगढ़ में, उसका 3 बार गवर्नमेंट शिलान्यास कर चुकी है, जिनका वर्मा जी ने भी किया, मावल मिश्रा जी ने भी किया, और अब लेटेस्ट में प्रवेश वर्मा जी ने भी किया है, लेकिन आज तक कोई एक ईंट नहीं लगी है। रोड नाली जितना काम हुआ है सब आम आदमी पार्टी ने किया हुआ है, और ज़्यादा हमारे यहाँ से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं लोग, कॉलोनी से भी, वैसे भी कच्ची कॉलोनियों में जितना भी प्रोग्रेस हुई है वो आम आदमी पार्टी ने की है। आम आदमी पार्टी की भी वोटें सीटें निकलेंगी इधर? यहाँ पूरे पूरे चांस है आम आदमी पार्टी की सीट निकलने के, और लोग खुश हैं आम आदमी पार्टी से। आप बताइए, एयर स्ट्राइक के बाद में जिस तरह से माहौल बदल रहा है, तो आपको लग रहा है कि गांव में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? एयर स्ट्राइक से अभी जितनी बातें जो हुई है लेटेस्ट में, तो अभी मोदी जी का नाम उठा हुआ है। आपको लग रहा है कि एयर स्ट्राइक से मोदी जी को फायदा होगा? इसमें ये इसी के फायदे का हुआ, और आगे भी प्रधानमंत्री मोदी ही होना चाहिए, मोदी होने चाहिए। क्या माहौल है गाँव में, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के? पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि जो ये क्रेडिट ले रहा है हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी, ये क्रेडिट एक सेना ने किया है, खुद क्रेडिट उठा रहा है उसका। रही किसानों के मुद्दे की बात, तो मैं 2,000 रुपये के लिए बोल रहा है, लेकिन 2,000 रुपये अब तक भी नहीं आए हैं, उसके लिए हमें तो लग रहा है कि फिर वही पीछे 4 साल वाला कपट कर रहा है। और यहाँ के जो देखा जाए माहौल, तो आम आदमी पार्टी है, उसने काफ़ी काम किया हमारे यहाँ, और आने वाले टाइम में हम उसी को वोट देंगे। आप नौजवान हैं, आप बताइए आपके लिहाज से क्या मुद्दे बनेंगे इस बार चुनाव में? चुनाव में तो मोदी आना चाहिए, हम तो यही चाहते हैं, जो देश के बारे में, देश के प्रति कुछ कर रहे हैं। और ये छोटे लेवल पे तो देखना ही क्या है, मैन तो यही है, देश कहाँ से कहाँ जा रहा है, मैन बात तो वो है, तो हम तो मोदी को ही वोट दें। आपको लग रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है? बिल्कुल, हम इस बात से सहमत हैं, इस बात से सहमत हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है काफ़ी मिली जुली सी राय देखने को मिल रही है, आप बताइए आपकी राय क्या कहती है, क्या क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में 2019 के चुनाव में? जहाँ हम बैठे हैं ये देहातमा हम बैठे हैं, नजफगढ़ विधानसभा हम बैठे हैं, किसानों के बीच में हम बैठे हैं, अन्नदाता 4 वर्ष से परेशान है। हमने बड़ी आशाएं थी प्रधानमंत्री जी से, उस समय में हमने वोट भी दिया, सपोर्ट भी किया, बड़ा अच्छा भी लगा हमने प्रधानमंत्री का, लेकिन जो मैनिफेस्टो में थी नहीं तो वहाँ पूरे उतरे प्रधानमंत्री जी। आपको लग रहा है कि जिस तरह से एयर स्ट्राइक के बाद में सभी मुद्दे जो हैं वो साइड में हो गए हैं, तो आप लोगों के जो मुद्दे हैं, आपके जो किसानों के जो फसलों के दाम की बात कर रहे हैं जी, कि ये वाकई मुद्दे बन पाएंगे? देखो जी, मुद्दे एयर स्ट्राइक वाले जो बात कर रहे हो ये बात अलग है। मैं तो इस बारे में भी आपने पूछी है, धर्मेंद्र जी आपसे भी कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, सभी पार्टियों से कहना चाहूँगा, अपने प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा, इस जवानों के बीच में हमने किसी पार्टी ने, किसी आदमी ने, किसी वोटर ने इनके साथ मिलकर राजनीति ना खेलनी चाहिए। जो जम्मू कश्मीर वाली बात है भी एक अलग है, जवानों वाली बात है भी अलग है, स्ट्राइक वाली एक अलग है, ये हमने 72-73 वर्ष हो गए, ये पहले से चलती आ रही है, कितनी बार चली है। हम जो हमारे
परिवार में चार चार आदमी है, फौज में ही हमने एक दिन का हर रोज का पता होता है, आपके माध्यम से पता लगता है, वहाँ से हमारे पास हम रोज फोन करते हैं आपकी कैसी हालात है, कैसे हो बेटा भाई, वहाँ से हमने आपके माध्यम से कुछ और ही पता लगता है, वहाँ से हमने कुछ और ही पता लगता है। थोड़ा हा चैनलों की तरफ भी लोगों का थोड़ा विश्वास थोड़ा हा कम होने लग गया। आप कह रहे हैं मीडिया थोड़ा बढ़ा के दिखा रही है, बढ़ा के दिखा रही है, सच को सच नहीं दिखा रही, सच को सच नहीं दिखा रही। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा और आपको भी कहना चाहूँगा, जब तक हम देखो इसमें देशभक्त वही है, ये नहीं हम सीमा पे जाकर रक्षा करें, वही देश यहाँ हम बैठे हैं, हम भी देशभक्त हैं, हम अपना कर्तव्य ठीक करते हैं, आप अपना कर्तव्य करो ठीक से, सच्चाई को सच्चाई बताओ, दुखी को दुखी बताओ, सुखी को सुखी बताओ। किसानों की जो तकलीफ है, अन्नदाता दुखी हैं, हर रोज आत्महत्या करने लग रहे हैं, खाने के लिए खाना नहीं होता, खाली पेट बात करने से पेट नहीं भरता। हमने प्रधानमंत्री जी से 2 वर्ष से हम कंटिन्यू अभ्यास करते रहे, भाई एक बार किसान प्रतिमंडल मिलेगा, हम अपनी तकलीफ बताना चाह रहे हैं, हमने बताई, उसके जो क्लोज थे उनको बताई, वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करी, वहाँ तक पहुँची भी, लेकिन हम संतुष्ट मगा हो सकता है हमारी बात वहाँ तक ना पहुँची हो, एक बार हम मिले, लेकिन पता नहीं क्यों अन्नदाता वो से मिलने का समय नहीं है प्रधानमंत्री। क्या काम करते हैं आप? मैं सप्लायर हूँ, छोटा मोटा व्यापार करता हूँ। किस चीज़ की सप्लाई करते हैं? सिगरेट बीड़ी का। सिगरेट बीड़ी का, सिगरेट बीड़ी का। तो कैसा काम चल रहा है, जीएसटी के बाद में कुछ फर्क पड़ा क्या आपके इस पे काम पे? बहुत बहुत बुरा हाल हो गया, पहले पहले काम अच्छा था बिल्कुल, अब धीरे धीरे घटता है। क्या फर्क हुआ, फर्क बताइए। सेल डाउन हो गई, बिल्कुल डाउन होती जा रही है, छोटे मतलब माल महंगा होता जा रहा है, आमदनी घटती जा रही है। लेकिन सरकार तो कहती है टैक्स घटाने से जो है जो दाम है वो कम होंगे, टैक्स कम होगा। कुछ कैसे कुछ काम कम नहीं हुआ, हमने जीएसटी भी लिया, फिर मैंने जीएसटी बंद कर दिया, क्योंकि हम देखे हमें कोई फायदा ही नहीं, कोई माल ही देने तैयार नहीं है, तो मैंने जीएसटी बंद कर दिया। जो भी हो उसका मालूम एक्शन जो भी हो लेगा तो बाद में देखा जाएगा। तो आपको क्या माहौल नजर आ रहा है जमीन पर? जमीन पर अभी कुछ माहौल नहीं है, सिंपल सी माहौल है कि जुमलेबाजी ज्यादा हो रही है, वो अपनी सरकार दिखावे की हो रही है, ठीक है। देश तो देश थे, भारत बहुत दिन से है, ये तो नहीं कि आज भारत मोदी जी 5 साल में भारत बन गया, तैयार हो गया। ये मेन मुद्दा है कि यहाँ पे जो मेन मूल मुद्दा है, न कांग्रेस देखती है न बीजेपी देख रही है, किसान है, किसान मरते जा रहे हैं, आत्महत्या करते जा रही है, क्यों कर रहे हैं, मेन बेसिक मुद्दा कोई समझ नहीं रहा है। सिर्फ 2000 अगर दे देने से क्या हो जाएगा? यहाँ मेन है समस्या बेरोजगारी, बेरोजगारी कंट्रोल होगी, उसके सबसे पहले मेन मुद्दा है जनसंख्या, जनसंख्या पर कंट्रोल किसी सरकार को कोई मुद्दे नहीं कि जनसंख्या से बेहतराज बढ़ती जा रही है, जमीन घटती जा रही है, जमीन घटेगी तो ऑटोमेटिक बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, किसान आत्महत्या करने लगे, छोटे छोटे टुकड़े में होते जा रहे हैं सब परिवार, ये सब सारे मुद्दे हैं। आप क्या काम करते हैं? मेरी तो मिस्त्री की दुकान है, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की। अच्छा, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान है। तो आपका काम काज जो है वो कैसा चल रहा है? काम डाउन चल रहा है, मतलब आप लोग सुर में सुर तो नहीं मिला रहे हैं, वाक्य में कुछ ऐसा है? वाक्य में कम चल रहा है, बैठ के देख लो 2 दिन यहाँ पे। अच्छा, तो आपको जमीन पर क्या माहौल नजर आ रहा है, मुद्दे क्या रहेंगे इस बार चुनाव के? चुनाव हम तो केजरीवाल की देंगे। अच्छा, तो आपको लग रहा है मुद्दा क्या बनना चाहिए इस बार चुनाव में? मुद्दा कुछ भी बनो, हमने सरकार मतलब क्या बात करे कि हाँ हम लोग ये देंगे तो क्या होगा? विकास तो यही है, केजरीवाल कर रहा है, जो विकास कर रहा है वो हमने। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है, ना बीजेपी ना कांग्रेस जो, लेकिन ये एक शिकायत ये है कि जो प्रवेश वर्मा यहाँ बना कर भेजा था वो इस एरिया में कोई काम नहीं करने के लिए आया, ना देखने के लिए आया। सबसे बड़ी प्रदूषण दिल्ली की, सबसे बड़ी प्रदूषण की है वही सरकार, क्योंकि मैं भी डिबेट देखता हूँ, मैं भी मतलब इंटरेस्ट रुचि, पॉल्यूशन इतनी पॉल्यूशन है कि उसमें कोई कंट्रोल करे, क्यों मैं डिबेट देखता हूँ, देखता हूँ कि बीजेपी वाले ऐसे होते हल्ला बोलते हैं, मैंने सारे न्यूज चैनल वाले दबा देते हैं, जो मेन मुद्दा है उस अगर हम रहेंगे ही नहीं हमारे देश ही पॉल्यूशन का, तो पाकिस्तान मुद्दा है, पाकिस्तान मुद्दा स्ट्राइक वाला चीज है, वो स्ट्राइक वाले मुद्दा जो है एक माहौल बना रहे हैं, हिंदू जमीन पर हम भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, अगर मालूम मुसलमान है इस देश में तो आप मुसलमान को भगा दीजिएगा, अगर जो पूर्व से मुसलमान यहाँ पे बैठा हुआ है तो उसको भगा दीजिएगा, हम हिंदू है, ब्राह्मण है, ये तो नहीं कहते हम कट्टर हैं उसके। चलिए, बहुत बड़ी बात है। क्या नाम आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार, हिंदू है। जीएसटी का फर्क बताऊं जी? हाँ, ये जूती 500 रुपए की आ करती, इमके ले आया था 600 की दी, माँ भाई क्या हो गया? बोला जी जीएसटी लग गया, 100 रुपए जीएसटी लग गया जी। तो ये वाकई में फर्क पड़ गया है, दुकानदार ने आपसे पैसे ज्यादा? अब ये तो वो जाना, मेरी बात, ये जीएसटी की आठ, दुकानदार भी
जीएसटी की आड़ में दुकानदार भी फायदा उठा रहे हैं। सीलिंग मुद्दा है दिल्ली का जी, सीलिंग की वजह से बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इंडस्ट्रियों को, छोटी छोटी इंडस्ट्रियां जो छोटे छोटे घरेलू उद्योग लोगों ने लगा रखे थे, वो सब बंद हो गए हैं और लोग जो है तड़प रहे हैं। मेरा छोटा भाई एक इंडस्ट्री लगा रखी थी कॉर्गेटेड बॉक्स की, उसको उठवा दिया गया वहाँ से सरकार ने, और अब जहाँ पे शिफ्ट की है बवाना में, वहाँ भी अब काम धंधा नहीं है और लोग बाग सीलिंग की वजह से और जीएसटी की वजह से मरते जा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो लोकसभा चुनाव के लिए जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनाव होंगे अब देश में, और इसीलिए जो है अब हम स्थानीय लोगों से मिलेंगे लगातार और उनके मुद्दे क्या हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या वाकई उनको लगता है कि उनके मुद्दे अब भी जो है वो चुनाव के मुद्दे बन पाएंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम खबरें लगातार देखने के लिए आपके अपने चैनल ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें और जो साथ में घंटी बनी हुई उस घंटी को दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो इस खबर को शेयर करें, इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।